गुड मॉर्निंग नहीं यार, गुड आफ्टरनून हो रही है। तो अभी हम जा रहे हैं जिम, और सिर्फ जिम नहीं जा रहे हैं, जिम के साथ और भी बहुत काम है। ये मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो इसके ऊपर स्किन लगानी है, तो स्किन के लिए देने आना है। स्कूटी को सर्विस करानी है, स्कूटी सर्विस करने देने जानी है। तो मतलब है यार, अभी निकलूँगा तो दो तीन चार काम है मेरे। तो कहाँ कहाँ जाते हैं, कैसे कैसे घूमते हैं, कैसे कहाँ पे मैं अपनी लैपटॉप की स्किन स्लीव वगैरह दे चढ़ाने के लिए देता हूँ, और सर्विस के लिए सामान लेना है, तो वो सब चलते हैं अभी रास्ते में। चलते हैं और देखते हैं। चलो गौ माता को देते हैं आवाज़ मारते हैं। कहाँ है गौ माता? अला भैया, ओ गौ माता, ओ साहब वो तो चला गया। वो गया, वो रहा देख, बहुत आगे चला गया, उधर चला गया शायद। अभी कोई और आएगा ना फिर उसको दे देंगे। अभी एक और आ जाएगा, ठीक है? चलो अंदर बैठो आप। अभी देखते हैं ना, अभी देखना नहीं है, पापा जा रहे हैं, पापा अभी जिम वगैरह जा रहे हैं ना, तो देखते हैं। चलो अंदर चलो। हाँ मैं उधर जाके ब्लॉग बनाऊंगा। चलो अभी आप अंदर बैठो, चलो बाय। चलो अभी मैकबुक भी दे दिया मैंने, अब स्किन चढ़ने के लिए अब स्कूटी देनी है, सर्विस के लिए सामान सारा ले लिया था सुभाष नगर से। ये रैप लगाना है आपको, कहीं नहीं आना, आपको आना है जयपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर, और ए जी रैप के नाम से ना सर्च कर लेना इंस्टा में। वैसे तो मैं इसका पेज का लिंक भी डाल दूँगा, जो जिसको चाहिए हो वो कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि मैंने मैकबुक की डिज़ाइन आपको नहीं दिखाया अभी तक, नहीं दिखाऊंगा, एक बार वो रैप हो जाए फिर मैं दिखाऊंगा, अभी कुछ नहीं दिखाऊंगा। दिल तो था मेरा सत्या मैं मूवी देख लूँ, पर जिम जाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो जिम चलेंगे और दिखाऊंगा फाइनल लुक। फाइनल लुक मैकबुक की ज़रूर दिखाऊंगा आप लोगों को, एक बार वो रैप हो जाए। मूवी देखनी है ये वाली, देखी नहीं मैंने अभी तक जट एंड जूलियट, जिसने देख लिया यार बता देना कैसी है। मुझे तो रिव्यूज़ तो इसके मिक्स से मिल रहे हैं कि अभी ठीक है, वन टाइम वॉच है, पुरानी जट एंड जूलियट जैसी नहीं है, देखते हैं बाकी। तो मैकबुक की लुक बड़ी भाकड़ हो रही है यार, बहुत अच्छी हो रही है। मैंने पिछली बार इनसे करवाया था तो मैंने आयरन मैन का ऑब लगवाया था, और इस बारी बैटमैन लगवाया, लोगों ने दिखाया, मैंने एप्पल का लोगों नहीं दिखाना, फुकराबंदी नहीं करनी सुशा भाजी, पर इस बार यह लुक अच्छा होगा, दिखाऊंगा। मैकबुक दिखाने देखने के चक्कर में आपको बताने की एक्साइटमेंट में चाबी वही रह गई है। चलो कोई बात नहीं, अपनी जानकार है तो चाबी भी मिल ही जाएगी, बस चाबी लेने के लिए भाग रहे हैं। हाइबर अटैक का फ़ायदा, छोड़ के दूर निकल जाओ तो नोटिफिकेशन आ जाती है, तो आगे नोटिफिकेशन की चाबी पीछे रह गई है। तो अभी चल रहे हैं भैया के पास, चाबी भी उठाते हैं। चल मिल गई चाबी, यस। चलो अब चलते हैं, अब जाके सर्विस करें। चलो भाई सर्विस भी दे दी, मैकबुक भी रैप के लिए दे दिया, अब चलते हैं हम जिम। कौन सा जाते हैं, सॉरी जिम जाते हैं हम, टॉरस टॉरस बढ़िया जिम है, अच्छा जिम है, बस एक कमी है, जब लाइट नहीं होती ना तो यहाँ पे ना लाइट वाकई नहीं होती, मतलब इन्वर्टर भी नहीं है, जनरेटर भी नहीं है, गर्मी में तो सीने में महसूस करनी पड़ती है। हालांकि मज़ा भी उसमें आता है, पर इतनी गर्मी में कभी कभार ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लग जाती है, गर्मी में बोलना यार चिपचिप होना, बड़ी इरिटेशन वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। चल रहे हैं देखते हैं, भगवान करेगा लाइट हो जाए ना, तो मैं बड़ी देर से दूसरा घूम रहा हूँ, तीनों में हो जाऊँ।
और स्कूल की भी छुट्टी हो गई है वैसे बाद में, चलो देखते हैं। हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग है आप सब लोगों को। तो टाइम हो रहा है सुबह के 12:30 और आज हम लोग जो है जा रहे हैं मेरा मैकबुक रिपेयर कराने के लिए। इसका कीबोर्ड परसों ख़राब हो गया, कल ख़राब हुआ रात को, मतलब अब इसका कीबोर्ड चल नहीं रहा, तो इसका कीबोर्ड रिपेयर करवाना है मुझे। तो अभी मैं जा रहा हूँ शॉप पे इसके कीबोर्ड को देने के लिए। और ये कॉन्टिन्यूशन में चल रहा है ब्लॉग, जो उस दिन मैंने इसको रैप करवाया था उसके रैप के बाद आज मैं इसको कीबोर्ड रिपेयर के लिए लेकर जा रहा हूँ। रैप के बाद ख़राब नहीं हुआ, बेसिकली हुआ ये कि जो हमारी घर साइड है उसने रात को सोते सोते लात मारी और मैं खाना खा रहा था, और जब उसने लात मारी तो पूरा का पूरा जो खाना था वो मेरे लैपटॉप पे गिर गया और मेरा जो मैकबुक था वो उसके बाद ख़राब हो गया और इसका कीबोर्ड चल नहीं रहा है। तो हम जा रहे हैं इसे कीबोर्ड ठीक कराने के लिए, देखते हैं क्या होता है, कितने का ठीक होता है, सब कुछ बताऊँगा मैं आप लोगों को कहाँ से होता है। तो आप बने रहे मेरे साथ, ठीक है, चलो चलते हैं। बोला करा था जब मैंने बोला कि डोसा खाना है, कैसे डोसा? चलो फटाफट रेडी हो जाए, पापा ना जाके ले आना, ठीक है? नहीं मैं नहीं जा रही, आप जाके ले आओ, ओके? खाना डोसा खाना? हाँ जी हाँ जी। हाय दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि मम्मा और पापा मेरा ब्लॉग बना रहे दोनों और उनके साथ मैं मस्ती करती हूँ। हाँ जी भी कॉफी चल रही है, माई कॉफी चल रही है, हमारी कॉफी चल रही है। पापा से पहली बार डेट पे आया तू है? पापा से डेट पे आया? पापा से हम दोनों आए डेट पे, हम दोनों कितनी मस्ती कर लेते हैं। हाँ हम दोनों आए डेट पे आज बड़े टाइम बाद, बड़े टाइम बाद पहली बार आया हूँ मैं अकेला बिना इसकी अम्मा के। कॉफी पी रहे हैं? अच्छी कॉफी होती है तो है? हाँ अच्छी, हमने ना कोल्ड कॉफी पी है, ये भी सीधी है। हम आए कैफे स्टेला पे, ये तेलंगानगर में है, ये पत्थर से कॉफी बनी है, ये पत्थर के पर बना है कोल्ड कॉफी, पत्थर से बन गया। हाँ और हम लेने के आए थे कॉफी, हम डोसा लेने आए थे, हम डोसा लेने आए थे और डोसा हमने ले लिया, वो रखा है स्कूटी के डिक्की में, स्कूटी में डोसा रखा और यहाँ पे कैफे था तो मेरा दिल करा कैफे में कॉफ़ी पीते हैं, चाय भी थी, दिल कर क्या मिलेगा। हाँ जी चलो अच्छा बाय करते हैं, हम इनको कह रहे हैं कि लाइक सब्सक्राइब शेयर करो और बाय। चलो भाई सुन तो लिया है आपने, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट ओए कमेंट करना है और यहाँ ज़रूर आना कैफे स्टेला पे, अच्छी कॉफ़ी है। और चलो मिलते हैं आपसे, बाय।